क्या मुसलमान इमरान मसूद को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो सीधी चुनौती देते हैं नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को? नहीं नहीं, लेकिन बीएसपी से माजिद अली खड़े हैं, माजिद अली को लोग क्यों नहीं चुनेंगे, इमरान मसूद को क्यों चुने? जो यहाँ का समीकरण है जीत के लिए, आपको कम से कम 45% वोट चाहिए अभी तक का जो मैंने देखा। ये वोट जो है बचे हुए, जो पिछली बार 16.8 हो गए थे, वहाँ से 45% तक कैसे पहुँचेंगे इमरान? 56% पे आप करिए बात, 45 पे मत करिए, 56% से ऊपर बात करिए। इस वक्त मुझे हर वर्ग के अंदर समर्थन मिल रहा है। मसूद वो नाम है जिनकी चर्चा सहारनपुर ही नहीं, सहारनपुर से बाहर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक में होती है। इमरान मसूद गठबंधन के प्रत्याशी हैं सहारनपुर में और हमारे साथ है अभी। इमरान जी, सबसे पहला तो सवाल है कि इस चुनाव के मुद्दे क्या हैं आपके लिए? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश के अंदर जब संविधान को बदलने की चर्चा होने लगे, तो हमें संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। लड़ाई किससे है आपकी यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी से, सबकी जब जगह भारतीय जनता पार्टी से। बीएसपी से माजिद अली खड़े हैं, माजिद अली को लोग क्यों नहीं चुनेंगे, इमरान मसूद को क्यों चुनेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बसपा वो काम कर रही है जो भाजपा चाहती है, और ये भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। माजिद अली के बड़े भाई हैं जो सेलिब्रिटी हैं, KRK राशिद खान साहब, उनका परसों का ट्वीट देख लीजिए, परसों का ट्वीट उनका कि योगी जी और मोदी जी को सारे उत्तर प्रदेश के मदरसे बंद कर देने चाहिए। एक ट्वीट उनका और है कि अब की बार मोदी 400 पार, और मैं सेलिब्रेट करूंगा अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी डिजर्व करते हैं कि वो 15 साल और सत्ता में रहें। ये कंटिन्यूस पिछले 3 दिन के ट्वीट हैं। तो हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, वो खुद ही साबित हो रहा है भाजपा के एजेंट है। लेकिन आप भी कुछ दिन पहले तक बसपा में ही थे। मैं बसपा में गया था इस मिशन के साथ, इस मूवमेंट के साथ जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था, दलितों के उत्थान के लिए, शोषितों के, वंचितों के अधिकार के लिए, और मैं उस मिशन पे आज भी कायम हूँ। लेकिन बहन जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घेर लिया है, और बहन जी को ना निकलने देते ना फैसला लेने देते। बहन जी से तमाम वो फैसले कराए जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने वाले हों। मैंने कहा था कि बहन जी, हमको 80 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमें गठबंधन में जाना चाहिए। अगर 80 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हम 80 की 80 हारेंगे, और अगर गठबंधन में जाके चुनाव लड़ेंगे तो हम 30-35 सीटें जीतेंगे, और कल आप प्रधानमंत्री की दावेदार बहुत मजबूत बन सकती हैं। तो इसमें मैंने गलत क्या कहा था? मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। दलितों की बात आप कर रहे हैं, जो सहारनपुर सीट है वहाँ पे दलित वोट भी काफ़ी हैं, मुस्लिम वोट भी काफ़ी हैं, दलितों को अपने साथ कैसे जोड़ पाएंगे जबकि बीएसपी का कहीं ना कहीं कैटराइज वोट माना जाता है? देखिए, कैटराइज वोट था बसपा का, लेकिन अब दलित समझ रहा है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके साथ जाति हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल जो संविधान का है, अगर बहन जी संविधान को नष्ट करने वाले लोगों का परोक्ष रूप से समर्थन कर रही है, तो दलित की समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो दलित के लिए संविधान है। क्या मुसलमान इमरान मसूद को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो सीधी चुनौती देते हैं नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को? नहीं नहीं, मैं किसी को चुनौती नहीं देता, ये कोई मैदान का जंग नहीं है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की हम लोग रक्षा करने के लिए चुनाव में हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। लेकिन जब उस तरीके की बयानबाजी होती है बीजेपी की तरफ से, उसके नेताओं की तरफ से, कि संविधान बदल देंगे, मुस्लिम देश छोड़ के चले जाएँ, इमरान मसूद को गुस्सा आता है? नहीं, एक वो तो देखिए उनके उकसाने की बातें हैं, वो लोग उकसा रहे हैं, उनके उकसावे में हमें नहीं आना है, बस इतना ही सी तो बात है। 2014 में आपको 34% वोट मिले थे, 19 में आपको 16.8% वोट मिले थे। जो यहाँ का समीकरण है जीत के लिए, आपको कम से कम 45% वोट चाहिए अभी तक का जो मैंने देखा। ये वोट जो है बचे हुए, जो पिछली बार 16.8 हो गए थे, वहाँ से 45% तक कैसे पहुँचेंगे इमरान? 56% पे आप करिए बात, 45 पे मत करिए, 56% से ऊपर बात करिए। इस वक्त मुझे हर वर्ग के अंदर समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग का वोट मिल रहा है, कोई वोट वर्ग ऐसा नहीं जो मुझे वोट ना कर रहा हो। दूसरे समाज के लोग इमरान मसूद को क्यों पसंद कर रहे हैं? इमरान मसूद ज़मीन का आदमी है, 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला आदमी है, जब बुलाते हैं जब चला जाता हूँ, जब कोई फ़ोन करता है उसकी बात सुनता हूँ, तो ये मेरी उपलब्धता ही मेरी सबसे बड़ी USP है। इसके बावजूद इमरान मसूद लगातार क्यों लूज कर जाते हैं थोड़े थोड़े वोटों से? इसके बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद, मैं चुनाव में जिंदा हूँ, हार और जीत तो सब पे लगी रहती है, मैं चुनाव में जिंदा हूँ, यही तो जीत है। लड़ाई में हैं आप, ये बड़ी बात है। दिल्ली चलते हैं, नरेंद्र मोदी और योगी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, राहुल गांधी जी कांग्रेस के चेहरा है, दोनों में क्या अंतर है? देखिए,
राहुल गांधी राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी शरीफ आदमी है, राहुल गांधी देश के मुद्दों की बात करते हैं, राहुल गांधी इधर उधर की बात नहीं करते, सीधे मुद्दों की बात करते हैं ये। और राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते कि वो झूठ बोलें कि आज कुछ बात पर वादा कर लें कल पूरा ना हो, राहुल गांधी जो कहते हैं करते हैं। इमरान मसूद का प्रभाव कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लोग सुनते हैं उनकी बात को। यहाँ के बाहर भी आप चुनाव प्रचार में जाएंगे 19 के बाद? 19 के बाद जाऊंगा। जाएंगे 19 के बाद। और क्या आपकी अपील क्या रहेगी? देश भर में चुनाव हो रहे हैं, माहौल है, जैसे संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। कितना बड़ा खतरा है संविधान पे? देखिए, जब बड़े शीर्ष लेवल से चर्चा हो तो खतरा तो बहुत बड़ा है। ये तो एक रात के अंदर कहते हैं कि नोट बंदी, कि सुबह से एक करेंसी का नोट बेकार हो गया, एक रात में कह देंगे कि कल से संविधान रद्द हो गया, तो इनका कुछ पता है ये क्या बोल देंगे? दलित समाज जो है वो संविधान से अपने आप को काफ़ी अटैच मानता है, मुसलमान समाज भी मानता है क्या? ऐसा है, देश का हर व्यक्ति अब संविधान को अटैच मानता लेकिन है, लेकिन इसी देश में लोग बदलने की बात करते हैं। हाँ, जब संविधान से सब लोग अटैच मानते हैं, इस विचारधारा के लोग अपने आप को अटैच नहीं मानते। इन्होंने 52 साल झंडा नहीं फहराया, इतने साल झंडा नहीं फहराया, इनको ये संविधान बर्दाश्त ही नहीं होता है। हमारे लिए तो संविधान अधिकार देने वाला है, हमें तो अधिकार ही संविधान ने दिए। इमरान मसूद सांसद बनते हैं सहारनपुर के, तो उनकी उनका क्या करेंगे वो, क्या क्या योजनाएं हैं सहारनपुर के लिए? देखिए, अभी फिलहाल तो सबसे पहले संविधान है, अभी तो योजनाएं जब बनेंगे तब सारी की सारी बना लेंगे, लेकिन यहाँ हेल्थ सेक्टर में बहुत काम की जरूरत है, हेल्थ सेक्टर में काम होना चाहिए। जी, उस पर आप काम कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। यहाँ मेडिकल कॉलेज है, नाम का मेडिकल कॉलेज है, ना इक्विपमेंट है, ना डॉक्टर्स हैं। देश के चुनाव में आखिरी सवाल है, देश के चुनाव में अभी संविधान की बात आप करें, इसके अलावा कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पे जनता को सोचना चाहिए? नहीं नहीं, देश के अंदर नौजवान है, बेरोजगार है, किसान बेहद बदहाल है, अपनी आय को लेकर के उसकी लागत मूल्य नहीं निकल रहा है, महिला परेशान है अपने किचन को लेकर के, अपनी रसोई को लेकर के, 400 रुपये का सिलेंडर 1100 के पार चला गया, महंगाई ने कमर तोड़ करके रख दी है, व्यापारी परेशान है GST के नए परफॉर्मे को लेकर के, जिसके अंदर 45 दिन में अगर पेमेंट नहीं होगा तो उसकी इनकम के अंदर उसको जोड़ करके इनकम टैक्स वाले वसूली कर लेंगे। बड़ी जोर शोर से थाली बजा बजा के मोदी जी जैसे बोलते हैं, बड़ी गारंटियों की बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी। पहली गारंटी तो बता देना, पहली गारंटी कोई पूरी हुई हो तो अगली गारंटी पूरी हो जाएगी। जो आदमी गारंटी कहता है, जो राहुल गांधी गारंटी बोलते हैं, तो लोगों की सॉरी समझ में आता है, क्योंकि पुरानी गारंटी उन्होंने पूरी की है। उन्होंने पुरानी गारंटी जा भी चाहे तेलंगाना में दी हो, चाहे हिमाचल में दी हो, चाहे कर्नाटका में दी हो, उन्होंने पूरा किया है। तो जिस आदमी की पहली गारंटी पूरी हो उसकी अगली गारंटी पर यकीन करो, पहली गारंटी का सवाल करो कि पहली गारंटी का क्या हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी। तो हमने क्षेत्र में भी घूमा और कहीं ना कहीं इमरान मसूद को लेके एक क्षेत्र के लोगों में लगातार डिस्कशन हो रहा है और एक मजबूती से चुनावी मैदान में जमे हुए इमरान मसूद। जीत किसकी होगी ये वक्त बताएगा, चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन सहारनपुर में इमरान मसूद काफ़ी मजबूती से मैदान में है। मैं अशोक दास सहारनपुर से, देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट भी करिए। जय हिंद।